फ्रेंड्स वेलकम टू वाणी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों कल हमने पढ़ा था इंटरचेंजिंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कल हमने नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे। आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में इंटरचेंज करने के लिए असर्टिव सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और हमें इनसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो ये सेंटेंस बनाते समय हम कुछ कॉमन रूल्स हैं उन्हें यूज में लाते हैं। मान लीजिए आपके असर्टिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में हो, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। अब इसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इस सेंटेंस में आप जो वर्ब है उसमें एस लगी है, यदि वर्ब में एस आई एस लगी होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ऐसी कंडीशन में जब उसे इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे आगे लाते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, डू या डज। डू आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही सी इट या किसी का नाम। तो यहां पर ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डज, डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट है ही, डज ही, फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आ गई प्ले। अब जब आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो मेन वर्ब में फिर ऐसे यस नहीं लगाते, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और क्वेश्चन मार्क। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि यदि आप अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि किसी भी चीज की जो पहचान होती है वो उसके जो विराम चिन्ह होते हैं, पंक्चुएशन है, इसी से उसकी पहचान होती है। तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क से ही इस सेंटेंस की पहचान हो रही है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। सेकंड सेंटेंस असर्टिव में ही देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दे कुक फूड। चेंज करेंगे इसे इंटरोगेटिव में, सेंटेंस आपको बनेगा, अब ये दे आता है प्लूरल में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। तो यहां भी डू आ जाएगी, तो डू सब्जेक्ट आ जाएगा, दे वर्ब आ जाएगी, कुक ऑब्जेक्ट फूड और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं एक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से ही है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आती, तो केवल इन दोनों टेंसों की जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब को देखकर ही हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही रेड ए बुक,
इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो अब इस सेंटेंस को आप पहचाने, हो सकता है पहचानने में ये हमें प्रेजेंट इंटेंट का लग रहा हो, लेकिन यदि आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस आती है। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, लेकिन वर्ब में एस या ई एस नहीं है। अब आपको ये लगे कि हो सकता है वर्ब में एस या ई एस नहीं लगी है, ये मिस्टेक, मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसमें एस या ई एस नहीं लगी, इसका मतलब ये रीड की सेकंड फॉर्म रेड है, तो स्पेलिंग वही होती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसे जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, तो हमने डिड लगा दी, डिड। अब सब्जेक्ट आ जाएगा ही और हमारी जो वर्ब है रीड वो आ गई, तो डिड ही रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखें, असर्टिव में ही मोहन इज नॉट going to Agra। अब ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव में इसे चेंज करेंगे तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें नॉट भी आया है तो ये निगेटिव में है, तो इस बात का ध्यान रखें कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो ये भी असर्टिव का ही एक टाइप है। अब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज दिखाई दे रही, इज आगे आ जाएगी, इज मोहन नॉट गोइंग टू आगरा, इज मोहन नॉट गोइंग टू आगरा। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे रख दिया, नॉट भी नहीं आता है, तो नॉट इसलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि हमें सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव में चेंज करते समय उसमें नॉट नहीं होगी, लेकिन यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव वाला निगेटिव में है तो चेंज करते समय हम उसे इंटरोगेटिव में भी चेंज करेंगे और जो निगेटिव वर्ड आया है उसका भी हम यूज करते हैं, तो इसमें निगेटिव वर्ड भी नीचे हमने लगा दिया है। They have seen the Taj। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, अब इसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव है, आगे आ जाएगी, हैव दे सीन द ताज, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, द पीकॉक विल बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ऐसे चेंज करें
अब इसमें देखें कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो शब्दों में है, विल और बी। जब आपने निगेटिव सेंटेंस किए थे तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द की हो, दो शब्दों वाली हो या तीन शब्दों वाली हो, तो जब भी हम नॉट लगाते हैं तो फर्स्ट वर्ड के बाद लगता है। ऐसे ही यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द वाली हो, दो शब्द वाली हो, तीन शब्द वाली हो, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय जब हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही आगे लाते हैं, बाकी के वर्ड्स हैं वो अपने ही प्लेस पर रखे रहते हैं, उन्हें हम इधर लेके नहीं आते हैं। तो इसमें केवल हम विल को लेके आएंगे आगे, तो ये हो जाएगा विल। अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है द पिकॉक। विल तो यहां से हट गया, बी बचा, विल द पिकॉक बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहे कितने भी वर्ड्स की हो, केवल फर्स्ट वर्ड को ही हम आगे लाते हैं और अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ही हैड ईटन फूड बिफोर फादर वेंट। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं सामान्य रूप से दो सेंटेंस होते हैं और वो कंजक्शन बिफोर या आफ्टर से जुड़े रहते हैं। बिफोर के आगे पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है। तो पीछे वाले सेंटेंस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, आगे वाले से है। तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम आगे लाएंगे। हैड ही ईटन फूड बिफोर फादर वेंट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बना। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंस में कैन हो, मे हो, शुड, वुड, माइट ये आ जाते हैं वर्ड्स, तो इनको हम आगे रख देते हैं और अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसे चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में तो हमारी जो वर्ब है कैन मॉडल वर्ब है इसे आगे लाएंगे, तो ये हो जाएगा कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो गलत नहीं होनी चाहिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी गलत नहीं होगी तो हमारा सेंटेंस भी गलत नहीं होगा। अब बोर्ड में कई बार ऐसे सेंटेंस आए हैं
जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन सेंटेंसेस में आया है नो, नो वन कुड बियर सच एन इंसल्ट, नो वन कुड बियर सच एन इंसल्ट। जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस, चाहे तो नो वन से स्टार्ट हो, चाहे नोबडी से स्टार्ट हो, चाहे एवरीवन से स्टार्ट हो, चाहे एवरीबडी से स्टार्ट हो, जब भी इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो इनके स्थान पर हम हमेशा हु लगाते हैं। आपका सेंटेंस है, मान लीजिए नो वन से हो, नो बडी से हो, नन से हो, तो इंटरोगेटिव में चेंज करते समय हम इन सब की जगह पर लगाएंगे हु। ऐसे ही एवरीवन से हो या फिर एवरीबडी से हो, तो इनकी जगह पर भी हम हु लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इंटरोगेट में, तो इस सेंटेंस सबसे पहले तो स्टार्ट होगा हु से, हु। अब ये हु किसकी जगह पे आया, नो वन की जगह, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो पूरा सेम टू सेम रख देते हैं। जैसे इसके बाद जो आया है कुड बियर सच एनी इंसल्ट, तो वो सेंटेंस हम पूरा रखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हु कुड बियर सच एन इंसल्ट और क्वेश्चन मार्क, ये रहा। अब एक सेंटेंस हम एवरीवन या एवरीबडी का देखते हैं, जैसे एवरीबडी या एवरीवन लव्स हिज कंट्री। अब इसको चेंज करेंगे तो एवरीबडी या एवरीवन है, इसके स्थान पर हु आ जाएगा, तो हो गया हु। और इनके बाद में आप सेंटेंस देखें तो यहां आया है लव्स, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब हु वाला सेंटेंस बनता है वो सामान्य रूप से किसी असर्टिव की तरह से ही बनाया जाता है, तो यहां भी यही होगा, हु लव्स हिज कंट्री क्वेश्चन मार्क। एवरीबडी लव्स हिज कंट्री या एवरीवन लव्स हिज कंट्री, इसका जो इंटरप्रिटेटिव होगा वो होगा हु लव्स हिज कंट्री। तो इस तरह से हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कई बार हम ये नहीं जान पाते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये सेंटेंसेस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल टू चेंज दीज सब्जेक्ट सेंटेंसेस, और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।